देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया था और इसी आह्वान के बाद झाबुआ जिले के बड़ा घोसलिया में वनवासी सशक्तिकरण केंद्र के बच्चों द्वारा अपने ही तरीके से गणपति उत्सव आत्मनिर्भर होकर मनाया जा रहा है। इसके जरिए न सिर्फ वो राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रहे हैं बल्कि चीन का विरोध भी कर रहे हैं, आध्यात्मिक मान्यता के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दे रहे हैं। इन बच्चों ने गोबर से गणेश प्रतिमाओं का निर्माण शुरू किया है। इन बच्चों का लक्ष्य 5000 से अधिक गोबर की गणेश प्रतिमाओं का निर्माण करना है जिन्हें गांव-गांव में निःशुल्क वितरित किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बच्चे खुद अपने हाथों से ही इन प्रतिमाओं का रंग रोगन कर रहे हैं। RSS यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आनुषांगिक संस्था सेवा भारती की मदद से ये बच्चे अपने प्रयासों को आगे बढ़ा रहे हैं। बच्चे यहाँ रहकर इन प्रतिमाओं का निर्माण में लंबे समय से लगे हुए हैं। बच्चों की ये प्रतिमाएं गोबर और मिट्टी के मिश्रण से तैयार की जा रही हैं जो कि इको फ्रेंडली हैं। इस तरीके से न सिर्फ ये बच्चे आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं बल्कि संदेश दे रहे हैं, साथ ही साथ संदेश पर्यावरण संरक्षण का है, ग्रामीणों को रोजगार से जोड़ने का भी है। मिट्टी की गणेश जी की मूर्तियाँ बनाई हैं, इसमें हमने अभी तक 3000 मूर्तियाँ लगभग बनाकर कंप्लीट कर ली हैं और इसमें शुरुआत से लेकर के अंत तक किसी भी प्रकार के रसायन का प्रयोग नहीं किया गया। ये पूर्ण रूप से अपनी स्वदेशी मूर्तियाँ हैं और इसमें जो कलर रंग रोगन जो हुआ है ये भी पूरा अपना देसी कलर से प्रयोग किया गया है, इसलिए ये पूर्ण रूप से स्वदेशी मूर्तियाँ हैं। इनको हम अलग अलग झाबुआ की तहसीलों में पहुँचाने वाले हैं तो अपने कार्यकर्ता और जो अपने भाई बंधु हैं उन तक ये मूर्तियाँ पहुँच सके। और हमारा संदेश यही है कि स्वदेशी अपनाना है और चीनी सामग्री का विरोध करना है। अभी बाज़ारों में क्या होता था कि POP की मूर्ति आती थी जो कि हमारे पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक होती थी, इसलिए हमने यहाँ पर गणेश जी की मूर्तियाँ बनाई वो मिट्टी की जो पर्यावरण के लिए अनुकूल है। मेघनगर से भूपेंद्र बरमंडलिया की रिपोर्ट।